इसी तरह से मैं एक जगह पढ़ रहा था तो 14-15 साल का लड़का एक खड़ा हो गया। उसने कहा कि अंकल चलते चलते कहीं खो जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं सो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? हमने कहा नहीं बेटा, ये कमजोरी का लक्षण है, इलाज कराओ ठीक हो जाएगा। नौजवान है, मैं चाहता हूं कि बिहारी लाल अंबर को सुने। बिहारी लाल अंबर की जब शादी हो रही थी तो लड़का लड़की देखा देखी हो गया। हुआ कि एक घंटे भाई अलग जा करके लड़का लड़की दोनों आपस में बात कर ले, एक दूसरे को समझ ले, तो 1.5 घंटे बीत गए, ना ये बोल रहे हैं कुछ ना वो बोल रही हैं। 1.5 घंटे के बाद यही बोले, बहन जी आप कितने भाई हैं? तो वो भी बोले कि अब तक तो 2 थे, आज के बाद 3 हो गए। एक बार जोरदार तालियां बजाई, जोरदार तालियां बिहारी लाल अंबर को। आइए आइए, मातृभूमि को नमन करते हैं, जब चमन वीरान हो जाते हैं तो हम फिर उसी को चमन करते हैं। एक मिनट रुक जाए सर, ये माला माल कर दिया लोगों। बस बस, पहले अपनी जिंदगी के जाले हटा दें, माइक से आवाज तब न गूंजेगी जब इसके माले हटा दें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में लोग माला पहनाएंगे और हम वैजयंती माला बन जाएंगे। हालांकि हमारा कद कई माला ऊंचा है, लेकिन माला दो ही लोगों को पहनाया जाता है, या तो कोई चुनाव जीत जाए या तो कोई जिंदगी की जंग हार जाए, और हमारे पास दोनों नहीं है। बाबू हरि प्रताप सिंह यहीं कहीं बैठे हैं। हाँ, अरे ये तो बाबू बाबू जी को देखने के बाद आदरणीय बाबू हरि प्रताप सिंह कविता के ऐसे रसज्ञ श्रोता हैं जो किसी भी कब सम्मेलन को पूरी रात सुनते हैं। ऐसा कह इसलिए दिया ताकि ये बीच में उठ के भाग न जाए, तालियां हो जाए ऐसे। अच्छा अच्छा, भागेंगे इसलिए, क्यों भाग नहीं पाएंगे? क्योंकि उनको ये नीरज सोमवंशी और भाभी जी महक सोमवंशी चारों ओर से पकड़े हुए हैं, ये बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। लेकिन ऐसे श्रोताओं से बड़ा लगाव है और इतना प्यार से सुन रहे हैं। सियासत की सब कुर्सियां जानती हैं, जलेंगी कहां बस्तियां जानती हैं, अब कन्हैया के बंसी में कैसा है जादू, ये गोकुल की सब गोपियां जानती हैं, ये गोकुल की सब गोपियां जानती हैं। अब अपनी आपकी भाभी के लिए क्या कहा, जरा हुस्न पे अपने कम नाज करना, मुझे भी कई लड़कियां जानती हैं। बहुत बढ़िया, प्यार से सुना। आपसे बना रहा हूं, बना नहीं है, देखता हूं। आदरणीय दिनेश सिंह गुक्कड़ भैया की इस महफिल में चुन चुन के लोग आए हैं, और हम तो खैर चुन चुन के नहीं आए हैं। हम जब इनका फोन आया हम खुद चुन 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 कर रहे थे। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूं। आदरणीय शंकर कैमूरी भैया बैठे हैं। अच्छा अच्छा, मैं ढेर सारे नमन के साथ, मैं शंकर भाई संचालन कर रहे हैं, मैं उनको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे बीच में ये सराय नाहर के जितने लोग हैं सभी नाहर दिखाई दे रहे हैं, मैं इन सभी नाहरों को बहुत प्रणाम करता हूँ। और अगर ठीक से कोई कभी नहीं पड़ता है तो उसके लिए नहर भी खोदने का काम करते हैं, और उसी नहर में उसको ढकेल देते हैं कि जाओ जहाँ जाते हो। इसलिए आपसे मिल के हम सेंसिटिव हो गए, आपसे मिल के हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए, जब से भारत में आया कोरोना कहल, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। देखिए इससे लगा होगा कि ये हिंदी का कवि अंग्रेजी का विद्वान भी है, जबकि मैं अक्सर कवि और शायर कहते हैं कल ही मैं विदेश यात्रा से लौटा हूँ। हमने कहा ठीक है, मैं तुम विदेश यात्रा से लौटे हो, मैं किसी दिन तुम्हारी 100 यात्रा में आऊंगा। तब वो डर गया कि बाप रे बाप, विदेश जाने में तो बड़ा खतरा है। हमने कहा जहाज से उड़ोगे, मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो गया तब क्या करोगे,
हिया तो मोटरसाइकिल में खत्म हो गया तो मनई रोक के कहा था, अरे भैया एक मिनट रुक के तेल धरे है या कहा हुआ के ऊपर बताए तेल धरे है या है कि नहीं भैया। अब तो बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, बड़ा प्यार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। तमाम दादा आपके बाल सफेद हो गए, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे बड़ा सुख मिला, क्योंकि जब कोई घर पुराना हो जाता है उसकी सफेदी होने लगती है। ऐसे जब घर पुराने हो जाते हैं भगवान उनकी सफेदी शुरू कर देता है, इनको फिर से रंग डालो। अब ऐसे तमाम सफेद बाल वाले खड़े हैं, उनके साथ हम भी इन दो लाइनों के साथ खड़े हैं। प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सुना। इधर जो है संयोजक सफेद बाल वाले, इधर तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। आए जो पूनम जी बैठी हैं, वो पूनम है, हम उनके लिए अमावस्या से कम नहीं है, बिल्कुल खिलाफ है रहती हैं। जर्रा जर्रा बिखर गए होते तुम न होते, तुम मर गए होते। ये रमेश विश्वहार जी गए हैं, इसलिए उनकी टोन में टोन मिला के थोड़ा सा लोन लेकर आपको फोन करूंगा, ताकि आपके जोन में एक साइक्लोन उठ सके, तो आपका हार्मोन बढ़ा सकूं। जर्रा जर्रा बिखर गए होते तुम न होते तो मर गए होते, देख लेते जो वो तेरा चेहरा, लोग क्यों चांद पर गए होते। चांद पर जाने की जरूरत नहीं, इतना प्यार से सुन रहे हैं, इसलिए कहते हैं ये जितने लोग बैठे हैं नौजवानों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है, इसलिए कहते हैं पहले आंखों आंखों से एक्सीडेंट होता है, पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है, जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। बहुत बढ़िया, देखिए आपने अपने प्यार को पक्का कर लिया, अब आप जरूर जो है कहीं कहीं इसमें इस तरह की हरकतें करेंगे तो शिरकतें अधिक दिखाई देंगी। तब कहते हैं अब कभी ऐसे हो जाता है, इश्क हो जाता है पता नहीं चलता, कविता लिखी नहीं है बना रहा हूं भाई, लिखता नहीं। हमारी पत्नी ने कहा आप अच्छी कविता क्यों नहीं लिखते, हमने कहा देश में हमारे सभी बड़े बड़े कवि मित्र हैं वो लिखते हैं, हम केवल उनको सुनते हैं फिर पढ़ते हैं। ये आ गया फोन आपकी भाभी का, जब फोन आ जाता है तो इसको अपने हिसाब से करना पड़ता है, और हाँ अपने हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं, इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं हूं 40 किलो, वो है 80 किलो, उनकी गोदी का जैसे गदेला हूं मैं। एक कविता बनी नहीं है, आपने आप मुझे लगा कि बना सकता हूं, कुछ बना नहीं है, इधर कुछ भी नहीं बना है, उम्मीद न करिएगा, यहां कोई कविता कहानी नहीं है, जिंदगी कोई मेरी दीवानी नहीं है, लेकिन आपकी प्यार आपकी मोहब्बत में बहुत कुछ बन सकता है, इसलिए कहीं किसी पे रोक जमाना पड़ता है और कहीं खुद ही झुक जाना पड़ता है, मुरझाए चेहरों को हंसाने की खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। मेरा नाम राजू घराना नाम, राज कपूर ने भी मेरा नाम जोकर बनाया, उसकी सभी हीरोइनें गायब हो गई, लेकिन हमने जितनी भी इसमें हाथ पंग की, हमारे पास हसीनों की लाइन लग गई, कभी इश्क हुआ, देखे बनी नहीं बना रहा, कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से गिराती हो मेरे दिल पे बिजलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। वाह, शब्दों को इस्तेमाल देखें, धीरे धीरे कर रहा हूं, विद्वता बढ़ती जाएगी,
क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है, टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करना दोनों लेंस नहीं है। बड़ा चलाक होते हैं बूढ़े, जब लड़की बिगड़ना चाहती कहती है दिखाई नहीं दिया क्या करना, सारा आंख दोष, सारा दोष आंखों का, बोला कि माफ करना दोनों लेंस नहीं है। पिट जाए अगर आशिक महबूब की गली में, जाने को अस्पताल एम्बुलेंस नहीं है। अब मैंने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है, पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है। बीबी मेरी है कैसी कैसे पता करूं, इनके लिए तो कोई भी विजिलेंस नहीं है, इनके लिए तो कोई भी विजिलेंस नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए, प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। अब पिताजी कहें वाह बेटा बड़े ऊंचे गए, हम कहे क्या पिताजी कभी आप भी इस उम्र में अपनी गली में कूचे गए, तो हम तो आपका बड़ा प्यार बड़ा स्नेह, इतना बहुत बहुत बड़े कवि तो नहीं है लेकिन कुछ न कुछ कह लेते हैं, इसलिए कि आपका बहुत प्यार बड़ा दुलार मिल रहा है। और चार पंक्तियां ऐसे भी कह सकते हैं, न सोना न चांदी और न न सोना न चांदी न रतन लेके लौटा, न खुशियों का कोई चमन लेके लौटा, वतन के लिए जो गया सरहदों पर वो तिरंगे का केवल कफन लेके लौटा। कविता बनी नहीं है, मैंने इसको तुरंत निर्मित किया आप तक पहुंचा दिया। तुरंत बनाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि श्रोता पता नहीं किस मुंह के कहां मिल जाए, इसलिए अपनी पुरानी कविताएं लेकर के क्या करेंगे। यूं खिली खिली तुम जाने जहां कहां चली, सौंदर्य साबुन निर्मा, तुरंत नहीं कोई ऐसा गुरु पांडी जैसा, आम आदमी कहां पाए इतना पैसा, सर्दी है जुकाम है खांसी है कुछ लेते क्यों नहीं, हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है तो खरीद के देते क्यों नहीं। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, मैं और मेरा लक्ष्य, हमके श्री देवी खत्म हो गई बंद कर दो बक्स। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय, कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां चैंपियन ने लाइफ बॉय के पीछे दो बट्टी फ्री, इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्मी मां सुपर सोपी मामी चुकरी ब्यूटी पार्लर फायर लवली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया, चंदन सी सफेदी आपके सर में भी आए। बहुत बढ़िया बड़ा प्यार से सुना, इसमें कहीं भी कविता नहीं है, आपने कविता भी इसको समझा होगा तालियां भी बजाई होंगी, मगर इसमें कहीं कविता नहीं है। हम जब भी सुनाएंगे कविता कहीं नहीं दिखाई देगी न कहीं सुनाई देगी, क्योंकि हमको इसलिए बुलाया भी नहीं गया है, उन्होंने कहा कविता बुला पढ़ने वाले और लोग रहेंगे आप कुछ और बात कहेंगे। हमने कहा मैं ऐसी ऐसी बातें कहूंगा कि वो जितने लोग कविताएं पढ़ रहे हैं उनको भी ले डूबेगी। रोमियो नाम मेरा चोरी है काम मेरा, एक दिन डंडा बनारसी ने कहा अंबर जी सबकी रचनाएं पढ़ते हैं आप पूरे देश में, डंडा बनारसी ने कहा, दिनेश सिंह उक्कत भैया ने कहा अंबर जी आप सबकी कविताएं पढ़ते हैं माइक से, हमारी भी पढ़ा करो।
हम कहे तू दिनेश भैया डंडा भैया हमारा भी तो कोई आस्था रहे, अब हम हर आदमी का पढ़ते रहे। उसी दिन इनको अपने स्तर का पता चला कि हम लोग कितने निम्न स्तर के कवि हैं कि इसको अंबर भी नहीं पढ़ रहा है। भाई माला पहना दो क्योंकि मैं उस लायक हूँ, क्योंकि मैं आने वाला यहाँ का विधायक हूँ। बहुत बढ़िया राजेश प्रतापगढ़ी हमारे शानदार साथी हैं, मुक्तकों के बेताज बादशाह हैं, ग्रेट हैं, जिन्होंने भोजपुरी गाने और कई कैसेट लिखे हैं। भोजपुरी गाने तो हमने भी बहुत लिखे, मगर क्या करें जो है इनका अपना बहुत प्यार कि हमका बोलाऊ ब्याह तो औबई करब। हमारे दो तीन मित्र, दो तीन मित्र हमारे यहाँ हैं, इनको किस बिरादर के हैं जो बुलाए सुनते सुनकर मजा आई है। हालांकि उन्होंने भी 125 निकाली है, कोई कम नहीं है। अरे हमका बोलाऊ ब्याह तो औबई करब, कवि है कविता सुनऊबई करब, हम है यूपी के यादव का लड़का, दुधवा में पानी मिलऊबई करब। तालियां हो जाए यार, पूरा खड़ा हो जाओ, पूरा एकदम समझ लो। एक कोई कविता नहीं है, हमारे मन ने कहा इस तरह कहूं तो हो सकता है आप हंस दें, और आप हंस भी दिए, ये बड़ा मजा आ गया। बहुत बढ़िया, प्यार से सुन लिया, थोड़ा और आनंद का रस बढ़ाएंगे। और बहुत प्यार से सुन लिया, रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, ऊपर गोरी का मकान है। एक तरफा प्यार है, लड़कियां छत पे है, लड़कवा नीचवा है, चाह रही है, चाह रहा है कि ये आ जाए तो हम उससे मुलाकात कर लें, मगर असफलता भेंट करती है, कैसा करता है। ऊपर गोरी का मकान है रे, ये कविता हमारे अलावा कोई पढ़ भी नहीं सकता, ये किसी प्रेस में छपाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें के लिए मशीन में कोई अक्षर नहीं बना है। ये कविता हमारे साथ सीधा ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये कविता है ही नहीं कि इसको किताब में और पन्ने में दर्ज किया जाए, ये सिर्फ आवाज है। ये आवाज चली जाएगी एक दिन, मैं कोई लता मंगेशकर तो हूं नहीं, तो इसलिए आप बड़े प्यार से इसको सुनेंगे, क्योंकि ये कविता आगे खो सकती है मेरे साथ साथ। कि ऊपर गोरी का मकान है हरे, ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, तेरा हो जाए एहसान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू है प्रधान, तेरे भैया है दीवान, हाय हरे। ऐसे मैं कैसे प्यार करूंगा, तो वहीं आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुम्हीं से मैं प्यार करूंगा, मैंने दिल ये तुम्हीं को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, वो सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जानू मैं तो पुलिया के नीचे आ गई। ए देख के दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे। बहुत बढ़िया, कई गानों के एक साथ मिला के जब चटनी बना के आपको पेश किया तो आपको बड़ा टेस्टी लगा। ऐसा ऐसा कभी आपको कब मिलेगा देश में, मिलेगा ही नहीं, अब मिलेगा ही नहीं। उसे हमारा लड़का पैदा हुआ हो सकता है, हमारे बीच में हमारे अखिलेश गौतम भैया आ गए, बहुत अच्छा। हालांकि गौतम भैया रात को भी भेष बदल के इंद्र भगवान का आ गए, बहुत अच्छा भैया। अच्छा गौतम भैया आ गए तो हमें बड़ा अच्छा लगा। सपा वालों ने कहा हमें साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाएं, बसपा वालों ने कहा हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाएं, आप पार्टी ने कहा हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाएं, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाएं, भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाएं हम लोग विजयी बाद में हो जाएंगे। विजयी विश्व तिरंगा पारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, एलो मशीन पे हमने मारा। बहुत बढ़िया, आपने बड़ा प्यार से सुना और आपने बहुत बढ़िया, अब की तो आपने लगा लगा के जोर भाग गए, मचा मचा के शोर भाग गए, जातिवाद का बंधन तोड़ के सब बाबा की ओर भाग गए।
जातिवाद का बंधन तोड़ के सब बाबा की ओर भग गए। अभी शंकर भैया कह रहे थे हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पिए, हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पिए। हम कहे तो ये सिख और ईसाई कौन भरोसे जिए, ओका कहबे नहीं करत क्यों, कोई भी कभी नहीं कहता, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कह के उन्हें बेचारे को दोनों छोड़ देते हैं। उन्हें सारे अत्यंत अल्पसंख्यक में आते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हमारे गांव में एक ठीक अंधा रहा, कहे कि मोदी जी आप हमें जो है सेना में भर्ती कर दें, हम फुल विकलांग हैं। कहे तो अंधा है तो वहां क्या करोगे, तो कहे कि हम अंधाधुंध गोलियां चलाएंगे। कहे आप अंधाधुंध गोलियां चलाएंगे, आप कैसे पता चलेगा कौन ओर चला रहे हो, पाकिस्तान की ओर कि हिंदुस्तान की ओर। कहे तो चाहे जौनी ओर चलाएंगे, भला तो देश है को होना है, यहाँ भी तो कम लोग थोड़ो है गड़बड़। कहो यार राजेश माला भी पहचान ना यार बताओ, अभी हमको अभी पता चला यहाँ लटक रहा कोई आसाराम बापू की तरह। इस तरह ना किया करो यार, क्योंकि ये राजेश प्रतापगढ़ी बहुत हमारे बढ़िया दोस्त हैं। युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं, ये अजब शिकारी हैं कि जाल भूल जाते हैं। प्यार में इन्हें यारों भूलने की आदत है, होंठ चूम लेते हैं गाल भूल जाते हैं। आइए छोड़ देते हैं हमारे देवरन के लिए, ये जितने लोग बैठे हैं सबको बहुत प्रणाम करते ही। अब तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक दिन तुहार भाभी कही आज मैं बढ़िया सलवार समीज पहनी हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ। अब एक कवि से पूछेंगे तो उसको दूसरे ढंग से तो बताऊ करिए। हमने कहा कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी और सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। दे दे प्यार दे प्यार दे, हे ऊपर वाले हमको बच्चे चार दे, दे दे प्यार दे दे दे। लड़कवा फेसबुक में फंसा है, अब फेसबुक पे किसी लड़की से प्यार हो गया और उसका 20,000 उधार हो गया, अब उसको चुकाना है। अम्मा बाबू से कह रहा है दे दे प्यार दे, हे अम्मा बाबू, हे अम्मा बाबू। ये कोई कविता नहीं है, ऐसे बना रहा हूं। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे, 20,000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, 20,000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, अब किसी बैंक से लोन निकाल के हमको एक ठिकार दे, हे अम्मा बाबू। प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे, हमें प्यार दे। आपको बहुत बहुत मुबारक।